और बता भाभी, तेरी छोटी बहन कैसी है? वो तो ठीक है, पर तू बता, आज उसकी याद कैसे आ गई तुझे? अरे भाभी के बताऊं, याद तो उसकी रोज ही आवे। तो उससे शादी कर लेते ना, जब उसकी रोज इतनी याद आवे। अरे पहले कहां आवे थी उसकी याद, शादी के बाद तो उसकी याद ही आनी शुरू हुई। तो अब कर लो ना शादी। पर अब उसका घर वाला तो ना मानने। वैसे भाभी मेरी तो इच्छा थी मैं लव मैरिज करता, फूफा ने पता ना कहां से मेरे पीछे फूकी हुई बंद भाई। तुझे घर में शांति अच्छी नहीं लगती के? सुबह से देख रही हूँ इस बिचारी को तो गुस्सा दिलवाया जा रहा है। अरे भाभी मैं तो चेक कर रहा था ये मेरे से कितना प्यार करे। मैं चेक करूंगा अभी, चले जाओ खेत पे, वहां तो मैं चेक कर दूंगी अभी। जा चला जा, तेरे भाई तड़की जा लिए खेत पे। जा रहा हूँ भाभी, फिर भी तेरी भाण का फोन आवे तो मेरी राम राम कह दी उससे। ताई राम राम। कहाँ जा रहा दीपक, कैसे दांत फाड़ जा? बस ताई वैसे खेत पे कोई जाऊं। बैठो आप। ताई जी नमस्ते। नमस्ते, ये कैसा हस्ता हुआ जा रहा आज? ताई जी ये तो वही कविता को परेशान करता रहा है, किसी दिन कविता इसका इलाज कर देगी जब ठीक रहेगा। अरे ऐसा ना कहा करते, कितना हसमुख बालक है, हंसता खेलता ही अच्छा लगे। और बताओ ताई जी आज कैसे आ गई? पोते का जन्मदिन है, गीत गवाऊंगी शाम को, उसी का बुलावा देना आई थी। चाय बना दो ताई जी। हाँ डाल ले एक कप, ठंड सी भी हो रही। अभी ले गई ताई जी। देखे मेरी घोड़ी पंछी ध्यान रखिए, मुझे तो गणित तेज सी लगे। ना ताई जी ऐसी कोई बात ना है। अरे जीतू, वो सत्य कह रहे थे एक बनवाने आने की, आया ना? अभी तक तो आया ना। अरे जब से सत्यहर न्यारे हुए ना, इनके तो सालों के डांगर भी भूख के मरे हैं। साले पागल हैं सत्यहर। तू बता तू कितने दिन की छुट्टी लेकर आया? अरे लता के यार, फैक्ट्री में रिनोवेशन का काम सा चल रहा, 15 दिन की छुट्टी दे दी उन्होंने सबको। और तनख्वाह? तनख्वाह तो पूरे महीने की देंगे। एक बात बताऊं, जितनी तेरी तनख्वाह ना, इतने तो तू घर रहकर पढ़ा के भी कमा लेगा, और रहेगा तो घर। बात तो तेरी ठीक है, पर यार मैनेजर पैसे बढ़ाने की कह रहा। वो तो तू कई साल से कह रहा, एक काम कर तू घर पे रह ले और यहीं रह के पढ़ा ले। अरे घर पे रोटी खागा ना तो वो तेरे शरीर को भी लगेगा। चल सोचूंगा यार। यहाँ मत सोचे, 12 पे चल ले, चल वहाँ बैठ के सोचिए। हाँ चल आ जा। दीदी आज खाने में क्या बनाऊं? गोभी रखी है, गोभी आलू की सब्जी बना लेना। आज कमेरे कहाँ रह गए, वरना इस टाइम तक तो आ जाते हैं। ओहो आज फिर लड़ाई को जी कर रहा होगा तेरा। अरे दीदी कैसी बात कर रही हो? मुझे सब पता है कैसी बात है, आज तो घना ही टाइम लगा दिया तुम लोगों ने। अरे आज 3 पर्ची आई थी, 3 पर्ची छोड़ ली, नो टाइम लग गया। मगर कैसे भाभी, आज इंतजार कर रही थी क्या इसका? मैं ना कर रही थी इंतजार, पर ये कविता इंतजार कर रही थी, कई बार पूछ लिया इसने। हैं? सुबह से तो लड़न लग रही थी मेरे से। चाय बना लो फिर, घेर में जाकर मुझे डांगरों को भी तो देखना। चाय मैं बना कर लेकर आती। चल जीतू थोड़ा सा परेक हो जा, चाय भी आ जाएगी। दीपक गौर करिए मेरी बात पे, ऐसी नौकरी से अच्छा ना तू मास्टरी कर ले, यो ठीक रहेगा। हाँ बात करूंगा एक बार कविता से भी। देख इतनी लंबी चौड़ी नौकरी तो है ना, जो तू कविता को भी अपने साथ रख सके। सही तो कह रहे हैं तेरे भैया, और तेरे जाए पीछे तो ये कविता भी मुरझाई मुरझाई सी रहे। फिर भी भाभी एक बार कविता से भी सलाह ले लेनी चाहिए। वो तो तू ले ले, पर मुझे पता है कविता मना ना करने की तुझे यहाँ रहने को। बड़ी वार लगा दी तन्ने गीतों में से आने में। ताई ने औरते ही दिन नोट रखी थी, सब बात कर रहे थे इसलिए टाइम लग गया। अच्छा तुमने भी डांस करा के नहीं? हाँ दीदी ने नहीं दुल्हन बताकर मेरे को खड़ा कर दिया, और इसलिए मेरे को नाचना पड़ा। मुझे भी दिखा दे तो कभी नाच के। ऐसा है थक गई हूँ मैं, सोना है मुझे। अच्छा मुझे तो बात करनी है। हाँ बताओ। यार घर से इतनी दूर नौकरी के लिए जाओ, महीना महीना वहाँ पड़े रहो, मेहनत करो, फिर भी कुछ हाथ पल्ले नहीं पड़ता, बता क्या फायदा है ऐसी नौकरी का। अच्छा
तो फिर क्या सोचा है आपने? मैं तो सोच रहा हूँ यहीं रह के स्कूल में पढ़ा लूंगा, ट्यूशन पढ़ा लूंगा, कुछ भाई का खेती में हाथ बटा दिया करूंगा। जितने पैसे मैं वहाँ नौकरी से कमाऊँ इतने तो मैं पढ़ा के कमा लूंगा। देख लो, मर्जी आपकी। मेरा तेरे से दूर जाके भी जीना लगता, मेरी मर्जी तो तेरे पास रहने की है। वैसे लोग सही कहते हैं, लड़के ना शादी के नाम के लिए बाहर जाते हैं, बहू आते ही घर पे आ जाते हैं। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। अब वहां रह के नौकरी करके 1,000-2,000 रुपए बचे हैं महीने में, इतने तो मैं यहाँ पढ़ा के भी बचा लूंगा, तो क्या फायदा फिर वहां रहने का? ठीक है, तो फिर कर लो किसी स्कूल में बात। हाँ, जाऊंगा कल को टटीरी वाले स्कूल में, वहाँ एक मास्टर लग रहा, मेरा दोस्त भी है वो, उससे करूंगा बात। तो जनाब अब मास्टर बनेंगे? तेरा तो मैं फिर भी चेला ही रहूंगा। अच्छा जी। हाँ चलो अब सो जाओ, बहुत नींद आ रही है। ठीक है। ताई जी नमस्ते। नमस्ते। आज सोनी, आज कैसे आ गई? कुछ ना ताई जी, चाय लेने आई मैं थारे से। चाय तो तू ले जा, पर मुझे तेरे से कुछ बात करनी। हाँ ताई जी बताओ ना। देख बेटी, तू तो है मेरे गांव की, तो तेरे ध्यान रखने की जिम्मेदारी मेरी है। जी तू से तेरा ब्याह मैंने नहीं करवाया। ये बात तो ठीक है, पर ताई जी तुम परेशान क्यों लग रही हो? देख दीपक तो लग गया मास्टर, वो तो सुबह ही चला जा, शाम को आवे ट्यूशन पढ़ा दे। हाँ ताई, काम तो करना ही है इंसान को। तो क्यों इतनी बोली है मेरी बेटी? वो तो जो कमावे सारे अपने बैंक में गिरे, और जी तू इतनी मेहनत करे और उसका सारा पैसा घर में लग जा। तो के हो गया ताई, घर तुम्हारा ही है। आज दोनों भाई साथ है तो तुझे ऐसा लग रहा, और कल को तुम न्यारे होने लगे तो थारे हाथ में न रहने का कुछ भी है। सही कह रही ताई जी, ये तो मन ने सोचा ही ना। कल को थारे बालक नन्हे भी होंगे, उसका भी खर्चा होगा, सारा पैसा घर में खर्च करोगे तो आगे कैसे काम चलेगा। हाँ ताई जी तुम सही कह रही हो। बेटी तो सही कर, जी तो सब बात कर, सारे पैसे घर में ना खर्चे। आज ही बात करूंगी शाम को। अब लगाऊंगा दिए एक भी अन्ना घर में, तुमने बतेरा लगा लिया, ये उसे दीपक को लगा दे। ठीक है ताई जी। और अगर दीपक की घरवाली कुछ बोल रहे ना तो तू चुप ना रहिए, मैं हूँ तेरे साथ, बहुत बोली बनाए वा। चलो ठीक है ताई जी, अब मुझे तुम छाया दे दो। कविता तू जरा कड़ी बना ले ना, मैं उनके लिए खेत पे चाय लेके जाऊं। ठीक है दीदी। और हाँ कड़ी में ना बेसन थोड़ा हिसाब से गिरी है, तू नाश बहुत करा है। दीदी मैं तो हिसाब से डालती हूँ। हाँ सब पता है मुझे कितना हिसाब से गिर रहा है। आज क्या हो गया दीदी को? अरे तू यहाँ इस टाइम? हाँ चाय लाई हूँ तुम्हारे लिए, और मुझे ये बताओ ये कब तक चलेगा ये ड्रामा? कौन सा ड्रामा और किस बारे में बात कर रही तू? तुम तो जहाँ सारा दिन मट्टी फाको, और वो लाट साहब जो है ना सिवाय नहा धो के चल दे है। हाँ तो वो मास्टर है, उसका काम है नहा धो के जाना, तू यहाँ गुस्सा क्यों कर रही है? हाँ तो गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ, तुम तो अपनी सारी कमाई खेती और घर में लगा दो, और वो तो सारी कमाई ला के अपनी लुगाई के हाथ में दे दे और बैंक में गिर रहे है वे। तू पहले ये बता की बात क्या हुई, आज तुझे ये सब क्यों दिखाई दे रहा? जब तुम्हें कुछ दिखाई ना दे रहा तो मुझे तो अपनी आँख खोलनी पड़ेगी, आखिर है क्या हमारे पास, जवाब दो इस बात का। क्यों क्या कमी हमारे धोरे? ऐसा है जब बंटवारा होगा ना तो उसकी जेब में तो रहेंगे पैसे और हम रह जाएंगे खाली। अरे तेरा दिमाग तो न चल गया, भांग खाली के तन्ने। अब दीपक से बात कर लो, घर का खर्चा उठाएगा वो, जब से हम ही उठाते आ रहे। अरे तन्ने कौन सा जलता कोयला खा लिया आज? जलता कोयला तो तुम्हें खिला दूंगी अगर तुमने दीपक से बात ना करी तो, ये धरी चाय पी लेना। यार इस लुगाई ने तो दिमाग खराब कर दिया। अरे बुआ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, ठीक है तू? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आओ बुआ जी बैठो। और बताओ बुआ जी कैसे आना हुआ? ए बेटे तेरे पापा शहर जा रहे हैं, मैंने कि मुझे भी छोड़ते चलियो। और सोनी कहाँ है? वो तो भाई साहब को चाय देने खेत पे गई है। और सब ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो ना है? नहीं बुआ जी सब ठीक है। आपका भाई? मैं भी थोड़ी देर पहले ही आई थी। और बताओ बुआ जी घर पे सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, तुम दोनों बताओ क्या मौज आ रही है? अरे बुआ मौज तो कब तक ले रही है, मेरे से क्या पूछो? क्यों तुझे क्या मौज की कमी है?
बस कुछ ना है बुआ। अच्छा न्यू बता, इसके ब्याह को तो एक महीना ही हुआ और तेरे को तो 2 साल हो गए, तू तो खुशखबरी कब दे रही है? अरे बालक के लिए कहीं ना देर हो रही है, अपने पास भी तो कुछ होना चाहिए। क्यों, अब तो दोनों भैया अच्छा कमा रहे, किस बात की कमी है अब? बुआ ये तो सीधे हैं, जो भी कमावे घर में लगाते हैं। अच्छा बुआ नमस्ते, आज कैसे फुर्सत होगी आने की? तुम तो बुआ की खैर खबर लेते ना हो, मैंने सोची मैं ही चलूं। क्यों बुआ, क्या हो गया? बुआ तो कुछ भी ना है, पीछे तेरे फूफा बीमार है और तुम तो खैर खबर भी ना लेते फोन करके। जब से तुम्हारा ब्याह हुआ ना, तुम्हें तो पता ही ना फूआ भी है या फूफा भी है। ना बुआ ऐसी बात ना है, जा कविता तू चाय रख ले। अब कैसी तबीयत है फूफा? अब तो ठीक है, अब तू बता तेरी मास्टरी कैसी चल रही है? बस बुआ आशीर्वाद है तुम्हारा, जब फूफा ठीक था तो फूफा को भी ले आती। अरे अब तो ठीक है, वे शहर गए, अब लौट के आएंगे तो उनके साथ ही जाऊंगी। अच्छा तो बुआ आज तो रुकी जाती? ना भैया रुकने का धड़बड़ ना, मेरी भैंस बीमार हो रही है। अरे दीपक इधर से कहां से आ रहा? अरे वो बुआ आई थी यार, उन्हें अड्डे पे छोड़ के आया हूँ, फूफा ले गए वहां से उन्हें। ले बता, बुआ आई थी और हमसे मिली भी ना? फिर आओगी इतवार में, जब मिल लिए। यार एक बात करनी थी। क्या? आज तेरी भाभी चाय लेकर आई थी खेत पे। अच्छा फिर? यार उसके मन में बहम है कि खेती की सारी कमाई घर में लग जा और तू अपने पैसे सारे बचा ले। मुझे तो लगा भाई भाभी बैठ रही है किसी के धोरे, यो पक्का किसी की लगाई हुई आग है। अब तू बता, 1,000-2,000 रुपए तो बचे हैं, या तो वे डंगरों ढोरों की दवाई में लग जा या वे घर की साग सब्जी में लग जा। वो तो मुझे पता है भाई, पर आज तेरी भाभी घने गुस्से में लग रही थी। तू चिंता मत कर, मैं बात करूंगा भाभी से। ना तू मत करिए, शाम को मैं ही बात करूंगा उससे, समझ जाएगी वो। तू चिंता मत कर, ऐसी छोटी छोटी बातों से ना घर का नाश हो जा, चल घर को चल रहे अब। एक बात बता, सुरेंद्र मिला था पीछे, अपने खेत देने कह रहा बटाई पे, ले लें क्या? हाँ देख लेंगे, चल चल ठीक है। तुमने बात करी दीपक से? किस बारे में? खर्च के बारे में, कि घर का खर्चा वही उठावेगा। तो वो भी तो उठाता है घर का खर्च। क्या खर्च उठा रहा है वो, बस 2 महीने में एक खल की बोरी ले आवे है, बाकी तो सारा बचा ही रहा है वो। ऐसी कोई बात ना है, बेचारे के उसके पैसे भी घर में लग जावे। देखो आँख खोल के जियो, बेचारा ना है वो और ना बेचारी उसकी लुगाई है। तू चाबे के है, मैं के करूं? मुझे कुछ नहीं पता, अब तुम भी पैसे जोड़ोगे और मेरे खाते में डालोगे। पैसे बचे ही कहाँ है जो तेरे खाते में डाल दूं? जितना भी गन्ने का पैसा आवे ना, या तो खेती में लग जा और या घर में लग जा। वही तो कह रही हूँ मैं, हमारा कुछ भी ना बचता है, पागल बना रखा उन दोनों ने हमारा। कल को हमारा बालक नन्ना हो गया तो उसका खर्चा कैसे उठेगा? तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा। तुम कह रहे हो चिंता ना करो, क्या है हमारे पास, बिल्कुल खाली हाथ है हम। अरे बाबली यो सब हमारा ना है के? जब तक ये हमारे साथ रह रहे हैं ना, जब तक हम पे कुछ भी ना बचा, ये हमारे ही तो खा रहे हैं, जब बंटवारा होगा ना तभी कुछ होगा। तेरा दिमाग तो न चल गया कहीं, चुपचाप होकर सो जा, फालतू दिमाग मत दौड़ा। अगर मेरा दिमाग हिल गया ना तो सीधी कर दूंगा। बंटवारा तो होगा, एक ना एक दिन तो होना ही है बंटवारा, बंटवारा तो करवा के रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ हाँ करा ले जा, दिमाग खराब मत कर मेरा, सोन दे मुझे, बड़ी आई बंटवारा करवाने वाली, खाली टिकर बंटवारा करके। के है सो जान देना है? नहीं पहले एक सर और सुनाओ, तुम मेरे कितना अच्छा लिखते हो। बस एक ही सुनाऊंगा। हाँ ठीक है। कैसी दुनिया ये खुदा तूने बसाई, वाह 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 वाह। कैसी दुनिया ये खुदा तूने बसाई, आधी रात को पागल हो रही मेरी लुगाई। अच्छा तुम्हें पागल लग रही हूँ मैं? अब शेर सुना तो दिया, अब मुझे सोन दे, 1 बज रहा रात का। क्यों सोने दूं? यार नींद आ रही है आज, बहुत काम करा दिन में। तो मैं दिन में काम नहीं करती, मैं नहीं थकती क्या? तो तू भी सो जा, मैं कौन सा तुझे मना कर रहा हूँ। ना मैं खुद सोऊंगी ना मैं तुम्हें सोने दूंगी, भुलक्कड़। भुलक्कड़ मतलब मैं क्या भूल गया? याद कर लो, और जब तक तुम्हें याद नहीं आएगा ना मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। मेरी याद ना आ रहा कुछ भी। ए भगवान तूने कैसा खसम दिया मुझे, मेरा जन्मदिन ही भूल गया। ओ तेरी, माफ कर दे भाई, गलती होगी। झूठे, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। चल तो बंद कर इस थिएटर को, सो अब। मैं तुम्हें सोने ना दूं? अरे यार मुझे सुबह तक तो याद था,
पर काम के चक्कर में भूल गया। मैंने सोचा भी था कि रात को 12 बजते ही विश करूंगा, मेरे दिमाग से उतर गया यार। मुझे पता है तुम्हें याद ही नहीं था, तुम्हें ध्यान नहीं कर आता है कुछ। चल तू चिंता ना करे, कल को तेरे लिए सूट ला के दूंगा नवा। झूठे कहेंगे, कुछ भी ध्यान नहीं रहता तुम्हें। मैं कल को पक्का ला दूंगा। हैप्पी बर्थडे मेरी ड्रामे की दुकान। अच्छा मैं ड्रामा करती हूँ। आजा सोनी। हाँ ताई आई तो, मैं थर पास काम से ही आई थी। चल काम से आई तो आजा बैठ जा। हाँ ताई जी, तुमने कही थी ना वो घर में खर्चे वाली बात, तो करी फिर तन्ने में बात जीत उसे। हाँ ताई करी तो बात, पर उनके कान पे ना चल रही हूँ भी। फिर ताई जी मुझे तो बस इसका रास्ता बंटवारा ही दिखाई दे रहा है। हाँ बेटी सही कह रही, इतना बंटवारा नहीं होने का तेरे पास न रहने का कुछ भी। हाँ ताई जी बात तो थारी ठीक है, मगर मेरी ये समझ में ना आ रहा ये बंटवारा मैं करवाऊं कैसे। एकान कर तूरे को। ठीक है ताई जी, अब देखो तुम। बस ऐसा ही कर दे, देखे तू हफ्ते भर में वही बंटवारा मांगने लगेंगे। ठीक है ताई जी, अगर बंटवारा ना हुआ तो हम पे ना बचने का कुछ भी, हम तो करते करते मर लिए। हाँ और के बेटी, अपना घर अपने आप ही देख के चला जाओ। तू कहाँ छत पे चढ़ी रहे, बंदर ले जाएगा तुझे किसी दिन। अच्छा ले, मैं ये तेरा बर्थडे गिफ्ट ले आया। थैंक यू। बस ऐसे ही चोचले करने में आग दिए सारे पैसों को, घर तो तुझे दिखना रहा। क्या बात होगी भाभी, बस 200 रुपए का सूटी तो लाया हूं। हाँ 200 रुपए तो पेड़ पे लग रहे, जो तोड़ के लिए आया तो। भाभी पेड़ पे तो ना लग रहे, पर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जीतू ने कुछ कहा क्या? किसी ने कुछ ना कहा, बस तू ही करिए फिजूल खर्चे। वो तो बेचारा सारा दिन खेत में लगा रहा है और तू इस महारानी को सूट चढ़ा रहा है। दीदी काम तो ये भी करते हैं और जब इनके पास टाइम होता है ना, बेहद में खेत में काम भी कराते हैं। कविता तू चुप रह, चुपचाप अंदर जा। भाभी सच सच बता, बात क्यों हुई? 200 रुपए की बात को लेकर इतना गुस्सा कर रही है? इतना गुस्सा करते हो मैंने तुझे पहले तो कभी देखा नहीं। जी तू भी मेरे से खेत पे कह रहा था, मुझे सही से बता तेरे से किसने क्या कही है, क्या गलत फहमी आई तुम्हारे दिमाग में? मैं कोई पागल हूँ क्या दूसरे के सीके में आऊंगी? मुझे ना दिखता मेरे घर में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है भाभी, हमें भी बता दे। उन्हें आ जाने दे तभी बताऊंगी क्या बात है। कविता मैं घेर में जा रहा हूँ, मेरे कपड़े वहीं रखे हैं, बदल के आऊंगा। जी तू बेटे इधर आई हो? हाँ ताई राम राम। राम राम भाई, आ जा बैठ जा। बेटे मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। हाँ ताई बता। बेटे वह सोनी आई थी मेरे घर, बहुत परेशान लग रही थी। परेशान लग रही थी, के कह रही थी? बेटे उसे पैसे को लेकर चिंता रहे बेचारी गरीब होने को। ताई ऐसी तो कोई बात ना, लेकिन पता ना उसके दिमाग में क्या फिजूल सा घुस रहा, उल्टी सीधी बातें करती रहे वो। बेटे बात तो उसकी ठीक है, वो अभी ठीक ही कह रही, उसे चिंता है अपने घर की। ताई जब घर में कोई दिक्कत ही ना तो उसे चिंता किस बात की करनी? बेटे वह औरत है, आगे की सोच के चलना उसका काम है, गौर कर उसकी बात कर। ठीक है ताई अब मैं चलूं, राम राम। सोनी सोनी, अरे भित्तरी बड़ी रहेगी, पानी मिला गई। पानी ही नसीब होगा अब, और कुछ तो ना मिला। क्यों भाई क्या हो गया? तो मैं ना पता चला कुछ भी, तुम तो बस खेत में घिसटते रह जाओगे। अरे कुछ बता के भी या नहीं करते रहेगी? कमाई तो करो तुम, उड़ान लग रहे लोग। कौन उड़ा रहा? बर्थडे मनाए जा रहे हैं, नया सूट ला के दिया तुम्हारे भाई ने महारानी को। हाँ ले आया तो क्या आफत आ गई? अभी कहाँ पता चलेगा, पता तो जब चलेगा जब कंगाल हो जाओगे, जब कटोरा आएगा हाथ में। भाभी क्यों छोटी सी बात पे ड्रामा कर रही है, 100-200 रुपए का सूट ला दिया तो क्या आफत आ गई? तन सी बात पे तन्ने घर में पंचायत जोड़ दी। घर में पैसे लगाने के टाइम पे तो दम सूख गया थारा, घर में देने के पैसे तो ना है तेरे पास, सूट लाने के पैसे है तेरे पास। तुझे हो क्या गया, क्यों पागल वाली बातें कर रही है तू? मैं तो तुम्हें बस पागल ही लगूंगी, मेरी चिंता ना है तुम्हें, तो मैं तो बस अपने भाई की चिंता है।
भाभी तू साफ साफ बता चावे के है बटवारा।